लोग कैसे हैं, आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें इतने पटाखे फट रहे हैं ना कि मुझे मतलब कि आवाज़ तो आई नहीं रही है कुछ, और शायद पता नहीं आ रही होगी। देखो ये भी आ गए संदीप, ये देखो कैसे लग रहा है संदीप आज। दिवाली, हैप्पी दिवाली, देखो बोल दिया, शर्मा के बोला, बस चलो बोल दिया। और तो दोस्तों चलो पहले मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, क्योंकि जब से मैं काशीपुर आई हूँ मैंने आपको अपना होम टूर भी नहीं करवाया है और दिखाया नहीं है, तो मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैंने इसको मतलब बहुत अच्छे से डेकोर किया है, अच्छे से सजाया है दिवाली के लिए। तो चलो, तो देखो जो मेरा बरांडा है उसको मैंने ऐसा लुक दिया लकड़ियों से, और मतलब हम संदीप और मैंने दोनों ने मिल के सोचा था, और हमारा जो प्लान है वो सक्सेस भी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और चलो तो आगे दिखाते हैं, लाइट खोलना ज़रा। तो यहाँ पे मैंने ये लगिया वगैरह लगा रखी है शुभ दीपावली की, ये देखिए दोस्तों शुभ दीपावली की लगिया यहाँ लगा रखी है, और ये देखिए मैंने गेट पे अभी डेकोर कर रखा है, और बाकी यहाँ पे मैंने गेट पे ये रंगोली मिल रही थी तो मैंने इसको भी लगा दिया है। बाकी दोस्तों ये मेरा छोटा सा मंदिर है जिसे मैंने रेडी किया है, बस एक मंदिर ऊपर है पर मंदिर थोड़ा छोटा पड़ जा रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा मंदिर नीचे को आज लक्ष्मी पूजा के लिए स्पेशली मैंने ये मंदिर रेडी किया है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों मेरा सुंदर सा मंदिर, और चलो दोस्तों मैं बाहर भी आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये मेरी बालकनी से बाहर का व्यू है, तो आपको दिखा दिया है। तो मैं एक नई चीज ट्राई करने वाली हूँ, मैं अपनी बेटी के पैर से लक्ष्मी माता के पैर बनाऊंगी, और तो चलो स्टार्ट करते हैं। Thank you.
हम मिलके इसमें पूजा करेंगे, ठीक है? तो चलो साथ में चलते हैं, पूजा करते हैं। चलो बच्चे वहाँ पे। यू आज क्या है? अच्छा जो भाई आ जाओ, तुम लोग भी आशीर्वाद ले लो एक बार। गाड़ी में मिठाई देने के लिए कि सभी ने मिठाई दे दी थी, और फिर मैं भाभी का वेट कर रही थी कि भाभी आएंगे तो पूजा करेंगे। अब पूजा हो चुकी है हमारे मिठाई देने के लिए। तो चलो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको अपनी कॉलोनी भी दिखाऊंगी, क्योंकि आपने मेरी कॉलोनी देखी नहीं है। तो मैं आपको अपनी कॉलोनी भी दिखाती हूँ, लोगों से भी मिलाती हूँ। तो चले, और मेरी भाभी जा रही है आगे, देखो आगे से जा रही है भाभी जी, और पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। चले स्टार्ट यहाँ से करते ना। चलो आप तो यहाँ पर महफिल जब गई है, भाभी भी अपनी ब्लॉगिंग कर रही है, और ये हमारे कॉलोनी के लोग हैं, और हैप्पी दिवाली। और मुश्किल से दिखाई देते हैं, ये सब ईद का चांद हो रखे थे हमें। हाँ, तो हैप्पी दिवाली। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बोलो एक बार हैप्पी दिवाली। तो चलो मैं अंकल जी के घर आ गई हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं, आपको मिठाई देते हैं। हैप्पी दिवाली। नमस्कार। चलो 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 अंदर। तो चलो हम प्रसाद देने के लिए आ गए हैं, और भाभी अब प्रसाद देंगी यहाँ पे। तो हम आ गए हैं आंटी जी के वहाँ, और आंटी को प्रसाद देंगे, है ना? और आंटी अभी तैयार नहीं हुए, बताओ आज क्यों तैयार हुए? देखो कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा बना रखा है। तो चलो दे दो भाभी प्रसाद दो आप। अरे बस बात को, बच्चों की मस्ती देखो जरा, कितने खुश हो रखे हैं वो। ये पीयू देखो, उसको मीठा पसंद नहीं है, फिर भी खा रही है। हाँ उसको मीठा पसंद नहीं है, तभी भी अपनी ताई के हाथ से कैसे खा लिया, वो हो गया। शानी और खानी आपको, शानी को मीठा मस्ती कर रहे हैं ना, मतलब इन्होंने जो अपने बर्थडे में मस्ती नहीं करी थी दोनों ने, और अब खुश हो गए। तो चलो दोस्तों, हम लोग तो प्रसाद बांट के आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। ग्रेवी हो रही थी तो ये, मतलब जब सामने रसगुल्ला पड़ा तो उसको हाथ में प्लेट में डालेगा, उसको मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए रसगुल्ला अभी काट ही दी थी मैं इसको ना, अभी और डालूंगी पनीर। ये पनीर है, इसे काटेंगे अभी ना। ये है पनीर, चलो इसको काटते हैं। काटो, चलो आप काटो। देख मेरा काटने का पत्ता भी जो मैं भी इसमें ना, सही है ऐसी काट रही थी मैं भी। ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो बस अब इसे एक बार करेंगे ना, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं खाने में कैसे। नहीं अच्छा होगा, देख अगर दिखने में अच्छा है तो खाने में भी, मैं श्योर हूँ कि जो चीज दिखने में अच्छी होगी वो खाने में अच्छी होगी, ऐसा 99% होगा। चलो देखते हैं, ट्राई करेंगे। तो दोस्तों अब मैं खाना बना रही हूँ, तो चावल मैंने बने रख दिए, रोटी बन चुकी है, ये मेरा पनीर है।
पनीर गर्म हो रहा है जब तक, तब तक चावल बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे क्योंकि भाभी आई है, भाभी को भी घर जाना है। तो दोस्तों अब हमारा डिनर चल रहा है, फिर इसके बाद हम फोड़ेंगे पटाखे ना भाभी, पटाखे फोड़ेंगे, फोड़ेंगे फुलझड़ी। हाँ मतलब वही फुलझड़ी पटाखे, जो फुलझड़ी पेंसिल और चक्री, चक्री चलती है, चलती क्या बोलते हैं, चक्री सॉरी। मतलब भाभी भाभी भी लेके आ रही थी कुछ पटाखे, तो फिर उसके बाद पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, तो पहले कर लेते हैं पेट पूरे। डिनर बहुत सही बना है, सही है। चलो ठीक है, नमक भी शौक के है, मतलब बहुत स्पाइसी नहीं है। हाँ मतलब कि नमक थोड़ा सा कम होता है, फिर भाभी ने आके डाला उसे, तो अब ठीक हो गया नमक भी। और बाकी सब डिनर करने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि सब साथ में डिनर करें, बस भैया की कमी है ना। कोई बात नहीं, वो कभी और पूरी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम है ना। बाबू शानी, शानी तो अलग ही लगा हुआ है। हाँ शानी तो अपना गेम खेल रहा है, देखते हैं शानी क्या कर रहा है। अरे वाह, ये क्या बनाया शानी ने, और बिल्कुल जैसे वो है ना, जैसे लाइन है तो लाइन पे लाइन कर रहा है, राउंड पे राउंड कर रहा है। अरे वाह शानी, शानी तो बिजी है भाई। और पियू देखो, पियू खाना खा रही है। पियू कैसा हो रहा है बिट्टू खाना, यहाँ देख के बता दो जरा कैसा हो रहा है। हाँ चलो मैं भी डिनर करती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं। हम नीचे आ गए हैं, हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और हम फोड़ने वाले पटाखे, तो भाभी भी है और शानी भी है, पीकू और संदीप, हम सब के सब यहाँ हैं और खूब मजे करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे देखो पी वो चला रहे थे ना, मोमबत्ती बुझा दी। चलो 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 स्टार्ट। हमारी और भाभी भी घर गई है, संदीप गया छोड़ने के लिए, और पीयू भी सो गई है, और बस पूरे कलानी पर सन्नाटा सन्नाटा भी थोड़ी देर पहले इतना हल्ला हो रहा था, इतने पटाखे फूट रहे थे, और पटाखे तो अभी भी फूट रहे हैं, पर हमारी कलानी में थोड़ी शांति हो गई है। तो चलो देखे थोड़ा सा व्यू, तो चलो यहाँ से देखते हैं। वहाँ भी देखो पूरा मोहल्ला कैसा शांत हो गया।
अब मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ और इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बार फिर से दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और मुझे उम्मीद है कि आपकी दिवाली भी मेरी दिवाली की तरह बिल्कुल औसम बनी होगी, आपने भी बहुत मस्ती करी होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।